हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र प्रजापति, आज आप लोग सामने में बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस पूरा का पूरा। पेपर फर्स्ट आपको हम पढ़ाएंगे, पेपर फर्स्ट पढ़ना है। डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन कितने नंबर का रहेगा? 50 मार्क्स का रहेगा आपका, 50 नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। बात करते हैं किसकी? यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है? सिस्टमैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। किसके बारे में पढ़ना है? लेनियस, बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड प्रांटल, हकिंसन एंड क्रॉनक्विस्ट। उसके बाद क्या करना है आपको? हार्बेरियम की फाइल बनाना पड़ेगा टेक्निक के थ्रू, एंड इम्पॉर्टेंट बोटेनिक गार्डन और बोटेनिकल गार्डन के बारे में लिखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट जो है। अब बात करते हैं यूनिट सेकेंड की। क्या बातें कहते हैं यूनिट सेकेंड में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को? टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज एंड देयर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकॉट फैमिली में कितनी कितनी फैमिली है जो डाइकॉट में पाई जाती हैं। ठीक, सबसे पहले क्या बात करते हैं डाइकॉट फैमिली के बारे में। देखो, जहाँ पे ACE शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? फैमिली बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फैमिली कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कौन सी फैमिली? निम्फियेसी फैमिली पढ़ना पड़ेगा, नुलंबोसी फैमिली पढ़ना पड़ेगा, नुलंबोसी फैमिली, रैनकुलेसी, मालवेसी, बम्बेसी, ब्रैसिकेसी, कुकुरबिटेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, मिरटेसी, रूटेसी, एपीएसी, एपोसाइनेसी। ठीक, सोलेनेसी फैमिली पढ़ना पड़ेगा, कनवालबुलेसी फैमिली, क्रूस कुकटेसी फैमिली, स्कार्फू लेरियेसी फैमिली, एकेंथेसी फैमिली, लेमियेसी फैमिली, एस्टेरेसी, रूबीएसी, यूफोरबीएसी एंड एमरेंथेसी फैमिली पढ़ना पड़ेगा। कितनी फैमिली है टोटल देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। आपको डाइकॉट में 23 फैमिली पढ़ना है, कितना? 23 फैमिली। अब आते हैं मोनोकॉट की। बात करते हैं मोनोकॉट में क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन सी फैमिली? साइपरेसी, पोएसी, एरिकेसी, लिलिएसी, मतलब 4 फैमिली आपको पढ़ना पड़ेगा, 4 फैमिली। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की तरफ चलते हैं। यूनिट थर्ड में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट्स। ठीक, मॉडिफिकेशन फिलोड्स, क्लैडोड्स एंड फिलोक्लैड्स, मेरिस्टेम काइंड स्टडी ऑफ टिश्यू सिस्टम। ठीक है, मतलब एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर। ठीक, एनाटॉमी ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। कैम्बियम में आ जाएंगे तो इट्स फंक्शन एंड एनोमाइलीज इन रूट एंड स्टेम, मतलब एनोमाइली सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट फोर की तरफ चलते हैं। फोर्थ यूनिट क्या क्या पढ़ना है आपको? स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल। देख रहे हैं आप लोग, ये मेल का सिंबल होता है, जब एरो का निशान ऊपर की तरफ होगा तो मेल का सिंबल माना जाता है। ये देखो, ये होता है मेल और ये क्या होता है? फीमेल का सिंबल होता है। ठीक, इसे क्या कहेंगे? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रो का मतलब क्या होता है? मेल। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस मतलब मेल। ये स्पोरो का मतलब क्या होगा? डबल फाइट, जहाँ पे क्या होता है स्पोरो 2n होता है, मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या होते हैं? स्पोरोजेनेसिस, मतलब रिप्रोडक्शन जहाँ पे होगा, यहाँ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस, और क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो सैक टाइप। एम्ब्रियो सैक पढ़ना पड़ेगा आपको, एम्ब्रियो सैक के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज दिया जाएगा यहाँ पे। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ
मॉर्फोलॉजिकल नेचर एपोमिक्सिस एंड पॉली इम्ब्रियानी। क्या है? एपोमिक्सिस एंड पॉली इम्ब्रियानी। इतना आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा टॉपिक के बारे में, शुरू करते हैं, ठीक है। इसके लिए थैंक यू आप लोगों।